ओके सर, ओके सर, ओके। कोई डाउट अभी तक किसी को? यस सर, आई हैव वन डाउट प्लीज सर। लाइक इन स्लैब वी कैन डू हेक्सागन शेप, पेंटागन शेप, कैन वी डू ऑक्टागन शेप? लाइक कैन वी इन ऑटोकैड वी कैन डू एनी काइंड ऑफ साइड्स पॉलीगन, राइट? सो दैट कैन वी सिलेक्ट दिस एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ साइड। या पेंटागन एंड हेक्सागन कैन वी डू? यस। कैन वी गो फॉर ऑक्टागन लाइक दैट? यस यस, ऑक्टागन, नैनोगन। ओके ओके, ओके सर। एंड वन मोर डाउट सर, इन दैट अपीयरेंस लाइब्रेरी, दैट असेट लाइब्रेरी में अपीयरेंस लाइब्रेरी है ना, सो कैन यू एक्सप्लेन दैट लिटिल बिट, हाउ वी कैन यूज दैट इन दैट वाइल मटेरियल? जस्ट लेट्स एनीथिंग, क्लिक ऑन एडिट टाइप, गो टू एडिट, क्लिक ऑन द मटेरियल, क्लिक इन न्यू मटेरियल हियर, क्लिक क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक ऑन इट, मेक इट डुप्लीकेट, 01 फ्लोर मे बी, क्लिक हियर एंड क्लिक हियर, दिस इज योर एसेट लाइब्रेरी। हाँ सर। एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट एनी मटेरियल, इफ यू वांट टू डू फॉर फ्लोरिंग एंड यू कैन सी द फ्लोरिंग हियर, यू कैन सी द कारपेट, स्टोन, टाइल, विनाइल या वुड हियर। इट विल गिव टेक्सचर और व्हाट? इट विल गिव टेक्सचर? इट इज विथ ऑल सेटिंग्स, रिफ्लेक्टिविटी, व्हाटएवर। ओके ओके, ऑल सेटिंग इंक्लूडेड, बट इफ यू सी दिस टाइप ऑफ एरर, यस सर, इट डजंट हैव द टेक्सचर, मेन टेक्सचर, हां मेन टेक्सचर इज मिसिंग। ओके ओके, सो वी कैन ऐड एनी टेक्सचर टू दैट, सो स्टडी होता है। ओके, यू कैन दिस इज योर, देयर इज नो एनी एरर, जस्ट रिप्लेस इट, यू कैन सी इट विल बी हियर, एंड यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन मेक इट लाइक दिस, इलास्टिक, यू कैन सी द टेक्सचर। ओके ओके, वन मोर थिंग, if we have any project ab maan lo mere paas ek project hai, abhi tak to maine aapko bataya ki kisi bhi wall ko aap select karo, floor ko select karo, go to edit type, click edit, directly yahan pe click karke material change kar do, yahan कोई भी मटेरियल अगर आपने यहाँ से चेंज किया, मान लो मैंने इसको वाइट किया हल्का सा और ग्रीनिश कर दिया मान लो हल्का सा, एंड ओके ओके, एंड ये क्या करेगा, वन टाइम पे जहां पे भी वॉल प्रोफाइल होगा सबको चेंज कर देगा। ओके, बट अगर मुझे अलग अलग सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगाने हो, बेसिकली मैं पेंट करना चाहता हूँ, इफ यू हैव ए वॉल, If I select any wall, if this one, if I click this wall, click on edit type, क्लियर है? बट इफ वट की मेरे को एक सरफेस पे मटेरियल लगाना है, तब मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए गो टू मॉडिफाई, वी हैव ए ऑप्शन कॉल्ड पेंट, क्लिक ऑन पेंट, और यहां पे आपके जितने भी वहां पे मटेरियल है सभी नजर आ जाएंगे, जस्ट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन एनी सरफेस, वो आपके एक सिंगल सरफेस पे मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप अलग मटेरियल डाल सकते हो, यहाँ पे आप अलग मटेरियल डाल सकते हो, कोई भी मटेरियल अगर आपको चाहिए इस तरीके से, यहाँ पे आप अलग मटेरियल डाल सकते हो, तो हर एक सरफेस पे आप इंडिविजुअल मटेरियल कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके, इफ यू वांट टू रिमूव
click, just click on remove paint and click on the surface. You can remove the paint. अब बात आती है कि जो materials है यहाँ पे, अभी तो मैंने material आपको बताया कि आप किसी भी object पे कहीं पे भी select करो, any type पे जाओ, वहां से material बना सकते हो. अब आप मान लो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो और आपको पता है कि आपको क्या क्या मटेरियल यूज करने हैं, बाद में आप पेंट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट गो टू मैनेज टैब एंड क्लिक ऑन मटेरियल. आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप सबसे पहले क्लिक करें क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करें, रीनेम करें 0102, जो भी आपको मटेरियल बनाना है. तो स्टार्टिंग में आप यही काम कर लें कि सिलेक्ट करें और अपना मटेरियल बना के रख लें, ताकि आप बाद में डायरेक्टली उसको अप्लाई करते चले जाए, वरना एक एक चीज बनाते चलो, जैसे जैसे आपको डिफरेंट मटेरियल लगे बनाते चलो, वरना एक बार सारा बना लो उसके बाद मटेरियल बना सकते हो. इट्स अप टू यू कैसे आप करना चाहते हो, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको पहले बनाना है या बाद में बनाना है, वो आपकी ईज के ऊपर है. क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलो. और कोई डाउट किसी को? सर एक ही दीवार पे दो टाइप के मटेरियल या प्लेस इट डिजाइन और इट, वो बताता हूँ अभी. और कोई डाउट? यस सर. सर अगर डिफरेंट लेंथ पे मटेरियल अप्लाई करना हो वो भी वॉल की, वो भी अभी बताता हूँ. और कोई डाउट? बस चलो अब आगे चलते हैं. सर जी अगर दो मटेरियल्स अप्लाई करने हो लाइक टू पार्ट्स में ऊपर एंड नीचे लाइक जैसे हम पैनलिंग करते हैं, आप तीनों के सेम क्वेश्चन है. Okay. एक ही आंसर है जो अभी मैं देने वाला हूँ. ठीक है सर. चलो अब मैं यहाँ से एक न्यू लेता हूँ डिफॉल्ट. ओके चलो ये मेरे पास आ गया. अब हम करते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके प्रोजेक्ट में, वो है ये सब कमांड्स, जिसमें अलाइन कमांड है, ऑफसेट है, स्प्लिट है, आपका मिरर कमांड है, रोटेट, कॉपी, ये सारी कमांड है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है. तो आज हम कवर करेंगे इन सब कमांड्स को. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलाइन कमांड से. अलाइन कमांड क्या होती है वो बता. तो मान लो मेरे पास एक ये, मेरे पास एक यहाँ पे वॉल है कुछ इस तरीके से, ठीक है. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक कंपोनेंट लिया, एक मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी. अब मान लो मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को, इस डेक्स को मैं चाहता हूं कि मैं मूव करके मैं बिल्कुल इसकी एज पे बिल्कुल यहां पे ले आऊं कॉर्नर पे, बट पूरी मेहनत करने के बाद भी वो अगर मैं जूम करके देखता हूं तो वो वहां पे अटैच नहीं हो पा रहा है. क्लियर है? फिर मेरे को यहाँ पे जाके ऐसे मूव करके देखना पड़ेगा स्नैप हो रहा है नहीं, वो उस एज को स्नैप नहीं कर रहा है, फिर से वो हल्का सा बचा हुआ है, यहां से दूर से तो लगेगा कि वहां पे बिल्कुल एज पे है. अगर मैं इसको वहां पे रखना चाहूं तो मेरे लिए एक कमांड हो सकती है, वो है अलाइन कमांड. ओके अब अलाइन कमांड क्या करती है, बेसिकली आपके फेस को फेस से अलाइन करती है. वो फेस वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी फेस हो सकता है. इन दिस केस अगर मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं तो मैं चाहता हूं इस वाले पॉइंट की अलाइन, जो ये वाला एज है आपका, इसके अलाइन ये वाली एज हो जाए. तो आप क्लिक करें अलाइन पे, जस्ट क्लिक करें उस पार्ट को जिससे आप अलाइन करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट, और अब क्लिक करें उस पार्ट पे जिसको अलाइन करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट. अब आप यहां पे देखेंगे वो उससे इस तरीके से अलाइन हो गया. यहां पे लॉक आएगा, अगर मैं लॉक पे क्लिक कर देता हूं तो इससे होगा क्या, अगर मैं इसको मूव करूंगा ना मैं अपनी वॉल को, तो उसके साथ मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव होगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है. अगर मैं अनलॉक रखता हूं तो वो मूव करता हूं वॉल को, वॉल ही मूव होगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. क्लियर है? यस सर. अब मैं अलाइन पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, इसके अलाइन करना है ये वाला पार्ट और इसके अलाइन करना है मेरे को ये वाला पार्ट, तो ये बिल्कुल एज टू एज वहां पे प्लेस हो जाएगा. अब मान लो मैं इसके लाइन ये वाला करना चाहता हूं, मान लो इस फेस के अलाइन करना मुझे ये वाला फेस, तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन करना है. मान लो मेरे को इस फेस के अलाइन करना है ये वाला फेस, तो आप ऐसे अलाइन कर सकते हो. इस फेस के अलाइन करना है ये वाला फेस, आप ऐसे अलाइन कर सकते हो. इस वाली वॉल के अलाइन करना है ये वाला फेस, आप ऐसे अलाइन कर सकते हो. यहाँ पे अलाइन करना है ये वाला, तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हो. इवन आप वॉल्स में भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वाली वॉल है जो मेरी, ये मैं यहाँ पे ले आऊं बिल्कुल इस एज के सामने, बिल्कुल इसके सामने,
क्लियर है, तो उसके लिए भी आप अलाइन कर सकते हो, क्लिक ऑन अलाइन, जस्ट सेलेक्ट दिस फेस कि इसके अलाइन चाहिए मुझे ये वाला फेस, तो वो झट से उसके अलाइन हो जाएगा। आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको मूव करता हूं तो इसके साथ साथ वो एच भी मूव करेगा, पे वॉल भी मूव करेगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। इवन आप 3D में भी कर सकते हो, ठीक है, 3D में भी आप कैसे कर सकते हो? 3D में करने के लिए मान लो मैंने यहां से कोई ऑब्जेक्ट लिया, मेक ए कंपोनेंट, और ए कंपोनेंट को मैंने यहां पे लिया, और कोई भी कंपोनेंट मैं यहां से ले सकता हूं। मान लो मैं कोई कंपोनेंट लेता हूं यहां से, मान लो मैं कोई कैबिनेट ले लेता हूं बेसिकली, या कोई फ्लावर पॉट ले लेता हूं, मान लो मेरे को डेस्क पे वो रखना है, वहां पे प्लेस करना है, मान लो मैंने बास्केट ली, इसका सरफेस देखता हूं कैसे। अब मान लो मैंने ये बास्केट ली, अब लेवल 1 पे जाता हूं, कंपोनेंट लेता हूं, इस बास्केट को इसके ऊपर रखना है मुझे। बट अगर मैं 3D में जाके देखता हूं तो ये बास्केट यहां पे वायर फ्रेम में देखूंगा तो इसके नीचे आएंगे, क्लियर है? तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, इस बास्केट इसके ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा अलाइन पे, अलाइन कर दूंगा इस फेस के, अलाइन करना है तो ये हॉरिजॉन्टल फेस है, इसके अलाइन करना है इसका नीचे वाला फेस, तो नीचे वाले पे क्लिक करो तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो, नीचे से ऊपर लेके आना है, स्लैब पे रखना है, या कहीं पे भी अलाइन करना है, वो आप अलाइन कर सकते हो अपने तरीके से। आप यहां से भी अलाइन कर सकते हो कि इस फेस के अलाइन मेरे को करना है ये वाला फेस, तो वो बिल्कुल उसके अलाइन आ जाएगा। अब तो क्लियर है अलाइन कमांड? यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट निकलते हैं। नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट। ऑफसेट वही है कि ऑफसेट पे क्लिक करो, जितना भी आपको ऑफसेट चाहिए आप ऑफसेट यहां से सिलेक्ट करो, मान लो 2 का आपने किया यहां पे या 5 का किया, तो जिस भी वॉल पे जहां पे भी क्लिक करोगे उसी से 5 का ऑफसेट ले लेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब आपको वॉल करवाई थी। ओके, अगर आप कॉपी को अनचेक कर दोगे तो वो उसको मूव कर देगा वहां पे, यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी, अनचेक कर, कॉपी किया तो इसकी कॉपी कर देगा, अनचेक कर दोगे तो इसको ओनली डायरेक्टली मूव कर देगा। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट वन इज मिरर ऑब्जेक्ट। अब आ जाता है मिरर, मान लो मेरे को मिरर करना है, मान लो मैं चाहता हूं दिस इज माय मिरर, ये मेरा मिरर है, और यहाँ पे कुछ ये ऑब्जेक्ट्स है, कुछ इस तरीके से मेरे ऑब्जेक्ट्स है, और कुछ और ऑब्जेक्ट्स मैं यहां से प्लेस कर देता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं ले सकता हूं यहाँ पे, ये कुछ मेरे ऑब्जेक्ट्स। अब अगर ये मिरर है तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिरर में कैसे दिखेंगे बताओ? ऑपोजिट स्पेस पे ही दिखेंगे, लेकिन ठीक है, जैसे ऑटो कैड में मिरर करते हैं वैसे ही मिरर है। टू टाइप्स के मिरर है यहाँ पे, मिरर पिक एक्सिस। पिक एक्सिस उस कंडीशन में यूज करेंगे जब हमारे पास एक एक्सिस होगी। अब मान लो मेरे पास ये एक्सिस है यहाँ पे, मान लो मेरे पास ये वॉल है, ऐसे यहाँ पे मैंने वॉल है, और मेरे पास एक डोर भी है, डोर है यहाँ पे, डोर है ठीक है, और यहाँ पे इस डोर को भी मेरे को बेसिकली मिरर करना है। मान लो मेरे पास कोई विंडो है तो मेरे को बेसिकली विंडो को भी मिरर करना है, उधर लेके जाना है। तो मेरे पास एक एक्सिस है कि मेरे को इस एक्सिस के उधर मिरर करना है। जैसे आपने मान लो रूम बना दिया तो सेम इस रूम में चाहिए अपोजिट में, तो वो किस तरीके से कर सकते हो? करना क्या है, सबसे पहले आप सिलेक्ट करें उन ऑब्जेक्ट को जिस जिसको आपको मिरर करना है। अब क्लिक करें, यहाँ पे है मिरर पिक एक्सिस, शॉर्टकट है MM, सिलेक्ट करें। अब जो मिरर, जो आपका मिरर है उसको सिलेक्ट करें तो उसके अपोजिट वो आपका मिरर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर आपके पास कोई एक्सिस नहीं है, मान लो मैंने मेरे को मिरर करना है और मेरे पास ये एक्सिस ही नहीं है, तो आप क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप लें ड्रो एक्सिस, क्लिक ऑन ड्रो एक्सिस, और आप एक एक्सिस अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्लिक करें, एक एक्सिस आपने ये ड्रॉ कर दी, तो इसके अपोजिट में आपका मिरर हो जाएगा। क्लियर? यस। ओके, अब आप कैन जी
So can I record the video? हाँ, recording चल रही है. Okay. Okay, but please जल्दी बता दिया करें. Recording कभी-कभी ऐसा हो जाएगा कि मेरे को दोबारा repeat करना पड़ जाएगी सारी चीजें. Sir, could you please repeat once again, sir? This one. Yes, sir. Draw axis or pick axis? The first one, sir. Draw axis or pick axis? Yes, sir. If you have an axis already. आप इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको मिरर कर सकते हैं. जस्ट सेलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट, दीज वन. मान लो आपने यहाँ पे बढ़िया सी सेटिंग कर दी, या आपने यहाँ पे कंपोनेंट लिया, बेड वेड प्लेस कर दी, या आपका एक सिंगल रूम है, आपने यहाँ पे कंपोनेंट दोबारा से लिया, आपने कोई डेस्क वेस्क है, आपने वो प्लेस कर दी अच्छे से, बढ़िया सी प्लेसमेंट आपने कर दी, और यहाँ पे आपका एक और वॉल है, बेसिकली आपका एक रूम है. मान लो अगर प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा अगर बताऊंगे. सेम रूम मेरा इधर है, अगर मैं इस रूम को यहां पे बताऊं, सेम रूम मेरा इधर है. Yes. Okay. अब ये सेम कंपोनेंट्स मुझे इस वाले रूम में प्लेस करने हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली आप उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसको करना है. ऑलरेडी आपके पास एक मिरर लाइन है कि आप एक एक्सिस है बेसिकली बीच में जिसको आप क्लिक कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन मिरर पिक एक्सिस और इसके सेंटर से आप इसको क्लिक कर दें तो ये एज इट इज उधर की तरफ आपका मिरर हो जाएगा. क्लियर है? अब अगर मेरे पास एक्सिस लाइन नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन ड्रॉ एक्सिस एंड यू कैन ड्रॉ द एक्सिस लाइक दिस. इट विल मिरर एवरीथिंग. ओके ठीक है, चलो अब आपके उन क्वेश्चंस का आंसर जो अभी आपने पूछा. चलो अब मान लो मेरे पास एक वॉल ये है. अब इस वॉल को मुझे स्प्लिट करना है. अगर मैं मान लो मेरे पास इतनी बड़ी वॉल मैं दोबारा बनाना चाहता हूं, अगर मैं ऐसे बनाऊं कि हाफ एक बारी में बनाई और हाफ एक बारी में बनाई, बट ये ऐसे नहीं होगा कि वो अलग अलग बनेगी, वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी. अब मान लो मैं चाहता हूं कि इस वॉल को ना मैं अलग अलग कट कर दूं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने पूछा था कि सर मेरे को अगर यहाँ पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई करने हो तो कैसे कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मटेरियल अप्लाई करने हो तो कैसे कर सकते हैं, और क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टली ऊपर अलग नीचे अलग करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक वॉल को थोड़ा बड़ा करना है, एक इसको कट करके बीच से एक साइड को बड़ा करना है, एक साइड को छोटा करना है, कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब अभी यहाँ पे हैं. अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो एक सिंगल यूनिट है, बेसिकली मेरे को इस वॉल को कट करना पड़ेगा. बट कट तो करना चाहता हूं, बट मैं ये शो नहीं करना चाहता कि कट हुआ है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, स्प्लिट ऑब्जेक्ट, स्प्लिट एलिमेंट. आप किसी भी एलिमेंट को कट कर सकते हैं. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत जगह यूज करोगे. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन स्प्लिट एलिमेंट और आप अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चाहते हो तो ऊपर आपको डिस्टेंस दिख रहा है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो. 6 फीट पे चाहिए या जितने फीट पे चाहिए तो आप क्लिक करें तो आपका उतने ही डिस्टेंस पे आपका कटिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से. अब ये कट हो गई आपकी, मान लो यहाँ पे भी कट चाहिए, क्लिक कर दो, यहाँ पे भी कट हो जाएगा. अब ये तीनों पे अलग अलग है. अब तीनों को आप इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं कि आप 3D पे जाए, आपको कट दिखेगा नहीं. अगर आप पेंट करते हैं इनके ऊपर कोई भी मटेरियल, अगर आप यहाँ पे आप पेंट करते हो तो इस पे अलग कर सकते हो, इस पे अलग कर सकते हो, इस पे अलग कर सकते हो, तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट पेंट कर सकते हो. इसको सिलेक्ट करके इसको आप इंडिविजुअली हाइट को इंक्रीज कर सकते हो. मान लो ये वाली इतनी हाइट इंक्रीज करनी है, इस तरीके से डिजाइन बना सकते हो. अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली कट हो तो आप 3D में जाके स्प्लिट एलिमेंट पे क्लिक करके किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो, और फिर हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करके आप इसकी साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो. हल्का सा हिला तो ये बोल देगा अनजॉइन एलिमेंट, हिलाना नहीं है, उसी डायरेक्शन में करना, तो कुछ नहीं बोलेगा. अगर इधर उधर करोगे वॉल से तो वार्निंग क्रिएट करेगा. क्लियर है? उसके बाद है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूं तो क्या होगा कि वॉल सारी इकट्ठी मूव होगी, बट मैं चाहता हूं कि नहीं ये पार्ट मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को डिलीट कर देना है, तो आप डिलीट कर सकते हैं इस पार्ट को. अंडू करोगे वापिस आ जाएगा,
और अगर आप चाहते हो कि ये पार्ट तो ये पार्ट दोनों यही रहे बट इसको मैं मूव कर दूं, तो इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके हमारे पास एक ऑप्शन है पिन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिन कर सकते हो। पिन करने का मतलब आप इसे ना तो मूव कर सकते ना डिलीट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये ऑब्जेक्ट पिन है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अब आप मूव करोगे तो इंडिविजुअली मूव होगा बट एक वार्निंग दिखा देगा कि भाई ये आपस में जुड़े हुए थे, आप इसे फोर्सली अलग कर रहे हो, क्या मेरे को परमिशन दे दो कि मैं इसे अनजॉइन कर दूं, तो वार्निंग को कर दो अनजॉइन एलिमेंट, तो अब ये अलग अलग हो गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर है सबको आप स्प्लिट एलिमेंट? यस सर। यस सर। बट गैप नहीं दिखाएगा। बट अब हमारे पास नेक्स्ट है स्प्लिट विद गैप। यहां पे आप देख सकते हैं ये है स्प्लिट विद गैप। अब ये गैप दिखाएगा, मिनिमम जो गैप रहेगा वो 0.4 इंच से लेके आप 0.4 mm से लेके, मैं दिखाता हूं कितना है, 9 inches तक, नहीं नहीं 9 inch नहीं, 1 feet तक ले सकते हो, 304.8 mm तक ले सकते हो। अगर मैं 310 यहाँ पे लेते हैं, 1 feet से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर मैं फिट की बात करूं, mm की बात करूं, 304.8 mm से ऊपर नहीं ले सकते। अगर मैं 2 feet लेता हूँ तो देखो वार्निंग दिखाएगा कि मिनिमम इतना ले सकते हो, मैक्सिमम 1 feet का गैप ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 2 inches का गैप लिया, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 2 inches का गैप दिखाएगा आपकी बोर्ड में। अगर मैं 7 inches या 8 inches का लेता हूं तो उतना दिखाएगा, अगर मैं 1 feet का लेता हूं तो 1 feet का गैप दिखाएगा। अब इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, 3D में जाओगे तो वो इस तरीके से गैप दिखाएगा। इनको भी आप इंडिविजुअली अब ट्रीट कर सकते हो। ये होता है ना घर के बाहर जो डिजाइन होता है कभी कभी बाउंड्री का, वो बना सकते हो इस तरीके से, या जो भी आप इसे गैप के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो आप गैप डाल सकते। सर एक था जी, सर जी बताएं सर, ये स्प्लिट एलिमेंट में पहले वाला जो था जी, स्प्लिट एलिमेंट में अगर वी हैव टू गिव ए डिजाइन ओवर इट, सो एकादा फ्लोर प्लान होता है जिसमें फ्लोरिंग प्लान में एकादा अपन डिजाइन डालते हैं, इन दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, आपको वॉल में कटिंग करके कोई डिजाइन डालना है, वॉल में या फ्लोर में किसी में भी एनीथिंग, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सिंपली वॉल पे क्लिक करो या फ्लोर हो या कुछ भी हो, जस्ट सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल। अब आपके पास ये प्रोफाइल है, अब इसके बीच में आप कोई भी प्रोफाइल बनाओ, किसी भी कमांड से बनाओ और कैसे भी बनाओ, कोई भी डिजाइन बनाया मेक श्योर कि क्लोज करो। मान लो आपने कैसा भी एक डिजाइन बनाया जो आप इसमें से कट करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी, सिंपली मैंने बताया हुआ प्रोफाइल के बीच में प्रोफाइल बनाओगे कट हो जाएगा। कोई भी डिजाइन, अब डिजाइन कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है, कैसे भी बना सकते हो। इवन आप वॉल के प्रोफाइल को भी अलग चेंज कर सकते हो, क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल, आप इसे सिलेक्ट कर दें, डिलीट कर दें। अब मान लो मेरे को ऊपर वाली वॉल ऐसी नहीं चाहिए इस वॉल की, मैं क्या करूंगा, मैंने आर्क लिया और मैं यहाँ पे आर्क से मैंने एक ये बनाया, यहां से मैंने ये बनाया, ठीक है, यहां से मैंने ये बनाया, कॉपी कर सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनाया, ये बनाने के बाद ये वाली वॉल को डिलीट कर दिया, फिनिश करोगे तो अब इस तरीके का डिजाइन बन गया। सर मुझे प्रोफाइल नहीं चेंज करना है, मुझे प्रोफाइल वही रखना है, उसी में डिजाइन देना है। कोई भी इमेज वगैरह लगानी है ओपन करो, पोस्टर लगाना है डायरेक्टली क्लिक करो, ये आपको दिखाई देगी ऐसे, तो आप इसको सिलेक्ट करो, आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते। क्लियर है? क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ये हम डिकैल में करेंगे। यस वाशिक। सर अगर अभी जो हमने इसको स्प्लिट किया है मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लेयर्स को भी एडिट कर सकते हैं जो हमने इसको स्प्लिट किया है। क्या एडिट कर सकते हैं?
मतलब इसमें जो लेयर हम जो मुख्तलिफ अगर मटेरियल की लेयर अप्लाई करना चाहें जो स्प्लिट पार्ट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्प्लिट करने के बाद। स्प्लिट करने के बाद वो तो एक ही है नहीं, अगर आप इसको एडिट टाइप पे जाके मटेरियल अप्लाई करते हो तो मटेरियल तो सब पे अप्लाई होगा ना। अगर मैं इसको यहां से कोई भी मटेरियल अप्लाई कर दिया मान लो, मटेरियल तो सब पे अप्लाई हो गया बट हमने इसको पेंट करके मटेरियल डाला है ना, तो आप मॉडिफाई में जाके जब इसे रिमूव करोगे तो आप देखोगे पीछे तो मटेरियल एक ही है। और अगर सर पेंट से अप्लाई नहीं करना मटेरियल और अलग अलग लेयर्स देनी है फिर? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। सर स्प्लिट करके ना जैसे वॉल को एक पार्ट टाइल का हो गया एक स्टोन हो गया, इस तरीके का डिजाइन बनाना वो स्प्लिट करके। आपके पास पेंट का ऑप्शन मैंने बताया तो पेंट के अंदर ये नहीं कि वॉल पेंट होता है, ये जितने भी मटेरियल वहां पे बनाओगे तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है और फेसिस पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, वो वैसे ही मटेरियल आ जाएंगे आपके, जिस भी फेस पे जो मटेरियल चाहिए वैसे मटेरियल प्रोवाइड करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहाँ पे अलग से मटेरियल आपको डालना है तो आप इस तरीके से मटेरियल डालो ना इसके। अगर आप प्रॉपर्टी में जाके मटेरियल लगाओगे तो वो कंप्लीट फेसेस को लेगा। क्लियर है? ओके जी सर। चलो ये हो गया स्प्लिट सरफेस स्प्लिट विद गैप। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ये पिन था। सर ये जो स्प्लिट विद गैप है ना, जी स्प्लिट विद गैप में हम जब कट करते हैं ना वो गैप कहाँ से कट करते हैं, मतलब उससे आगे कट होता है या सेंटर से दोनों साइड से कट होगा वो डिस्टेंस? ये बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट विद गैप करता हूँ और वन फिट का गैप डालता हूँ, जहाँ पे मैं सेंटर लूंगा ना उसके दोनों तरफ कट होगा। ओके ओके सर। ओके कोई ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल पार्ट है इंटीरियर पार्ट है, वो सेंटर पॉइंट पे सिलेक्ट करेगा दोनों तरफ हाफ हाफ कट होगा। क्लियर है? चलो अब मैंने इसको डिलीट किया। अब आप देखो ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये पिन है, अगर मैं डिलीट करूंगा तो मना कर देगा, डिलीट नहीं करेगा। अनपिन यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, तो आप अभी से डिलीट कर सकते हो, जो भी आपको करना कर सकते हो, किसी भी चीज को आप पिन कर सकते हो। इवन आपने यहाँ से कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट को क्लिक किया, क्लिक करें पिन कर दें, मूव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिलेक्ट करें अनपिन करें डिलीट कर दें, आप इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट वन है मूव कॉपी एंड रोटेट। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया कुछ, अभी के लिए तो मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ और मूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को मूव करके डायरेक्टली इसके कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस करना है तो वो तो नहीं कर पा रहे ना इस हेल्प से। ऑटोकैड में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम पिक करके तो हम मूव करते थे, इसमें अगर हम वैसा करना चाहें तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे मूव, शॉर्टकट है MW। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है फिर मूव पे क्लिक करना है, ऐसे मत करना कि पहले मूव पे क्लिक किया फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, मूव कमांड एक्टिव नहीं होगी, आपको दोबारा फिर मूव पे करना पड़ेगा तब मूव कमांड एक्टिव होगी। तो इन कमांड्स में थोड़ा सा ये देखना है कि पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या पहले कमांड को सिलेक्ट करना है। इस केस में पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन देन मूव, मूव कमांड आपकी एक्टिव हो गई। अब आप किसी भी पॉइंट से मूव करें और किसी भी पॉइंट पे प्लेस कर दे कुछ इस तरीके से, तो आपके इस तरीके से मूव हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते। अब आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो आप किसी भी एंगल में मूव कर पा रहे हैं। ऑटोकैड में होता था कि अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर दूं तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही मूव होगा, इसके अंदर एक ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट, अगर आप कॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका दिस वन कॉपी, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें फिर कॉपी पे क्लिक करें। अब आप क्या कि कहीं से भी पिक पॉइंट को पिक करें और आप इसको कहीं पे भी मूव करते कॉपी कर दे वो कॉपी हो जाएगा, किसी भी एंगल पे आप कॉपी कर सकते हैं, कोई भी एंगल आप चूज कर सकते हैं,
अगर आप ऑर्थो मोड ऑन करना चाहते हैं जैसे ऑटो अकेडमी होता है तो इसमें भी एक ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट, क्लिक ऑन कॉन्स्ट्रेंट और आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही आप इसे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे को मल्टीपल कॉपी करना है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओनली सिंगल कॉपी आपकी हो रही है, क्लिक ऑन दिस मटेरियल दिस ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन कॉपी एंड क्लिक ऑन मल्टीपल कॉपी। अब आप यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे आप मल्टीपल कॉपीज कर सकते। नेक्स्ट वन इज रोटेट। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड पे क्लिक करें, इसका रोटेशन जो सेंटर होगा वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर आ जाएगा। किसी भी एंगल पे क्लिक करें और कितने एंगल पे रोटेट करना है डाल दो 45 या कोई भी एंगल आप अपने तरीके डाल दो एंटर, तो वो उतने एंगल पे आपका रोटेट हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ इसी के सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट करना। अगर मेरे को सेंटर ऑफ रोटेशन कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए या कोई और पॉइंट चाहिए तो उसके लिए क्लिक ऑन रोटेट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन रोटेट एंड यू कैन क्लिक ऑन सेंटर ऑफ रोटेशन, क्लिक ऑन प्लेस एंड इसके सेंटर पे आप क्लिक कर दो तो ये सेंटर हो गया और रोटेट ये ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा तो वो इसके अराउंड रोटेट होगा। इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि रोटेट भी करूं और कॉपी भी हो जाए, जस्ट क्लिक ऑन प्लेस, सिलेक्ट किया मैंने ये और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी, जस्ट क्लिक ऑन कॉपी और यहां से आप मूव करोगे, रोटेट करोगे तो वो एक कॉपी और बन जाएगा। क्लियर है? यस। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एरे कमांड। एरे कमांड क्या होता है? एरे क्या होता है बेसिकली, पता है सब किसी को? सर वन डाउट सर, क्या सर रोटेट थोड़ा रोटेट रिपीट करूं? हाँ, ओके, कैसे रिपीट करेंगे सर सेंटर? देखो अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ओके, अब आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। ओके, आप इस कहीं पे भी क्लिक करके वहां से एंगल डाल सकते हैं जो भी आप लाइन में क्लिक करने का है। हाँ, वो इस तरीके से कॉपी पे क्लिक था तो वो कॉपी हो गया उसके अंदर। क्लिक करें, रोटेट पे क्लिक करें, कॉपी को अनचेक किया, कहीं से भी क्लिक करके रोटेट करेंगे आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ रोटेशन ये अभी तो सेंटर ऑफ रोटेशन था इसी का सेंटर, अगर मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस पे क्लिक करके किसी भी इस एज को ले लिया तो वो इस एज के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। क्लियर है? क्लियर सर। अब है एरे। एरे होता है एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल कॉपीज कर देना। वो तो मैं कॉपी से भी कर सकता हूं बट मल्टीपल कॉपी जल्दी करना और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना तो उसे हम एरे बोलते हैं। ऑटो अकेडमी जो एरे थे उसमें था आपका रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। इसके अंदर आपके दो टाइप के एरे हैं, सर्कुलर एरे एंड लीनियर एरे, दो रेडियल और लीनियर एरे है इसके अंदर। जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस एरे, शॉर्टकट है ए आर, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फर्स्टली आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर लीनियर एरे। लीनियर एरे मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या किसी भी पर्टिकुलर एक एंगल पे आप कॉपी कर सकते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे है ग्रुप एंड एसोसिएट, मतलब जितनी भी कॉपीज बनेंगी वो आपस में ग्रुप होगा, इस पे चेक किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी कितनी रखनी है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप बाद में चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ कॉपीज। अभी मैंने दो ही रखी, ठीक है। ये है मूव टू सेकंड। मूव टू सेकंड का मतलब है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो वो सेकंड नंबर पे होगा और जितनी मल्टीपल कॉपीज होंगी वो उसके बाद होंगी। क्लियर है? और एक है मूव टू लास्ट। मूव टू लास्ट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉपी किया और जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज मुझे चाहिए वो इसके सेंटर में चाहिए, तो वो होगा लास्ट। अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूं। एंड कॉन्स्ट्रेंट वही है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए, वो कॉन्स्ट्रेंट का फंडा है। क्लियर? अब आपको करना सिर्फ इतना है, आप इस एज पे क्लिक करें जहां से भी करना है, कितने डिस्टेंस पे आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लो मैंने डाल दिया 8 फीट पे, उस पॉइंट से एंटर।
तो वो यहां से यहां 8 फिट पे आ गया और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए मान लो मैंने डाल दी 5 एंटर, तो वो 8 फिट के डिस्टेंस पे 5 कॉपी डाल दिया। और अगर आप अब चेक करते हो यहां से लेके यहां तक, वन सेकंड अलाइन, तो 8 फिट, ये सारे डिस्टेंस 8 फिट है। बट अब ये सारे आपस में ग्रुप है, नंबर ऑफ कॉपीज मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे ऑब्जेक्ट मूव होते हैं और इक्वल डिस्टेंस रखते हैं अपने बीच में। ये बेस्ट पार्ट है कि आप मूव करना चाहते हैं बाद में आपने देख लिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे इतना नहीं चाहिए, कम कर सकते हो, तो आप इस तरीके से यहाँ से कम कर सकते हो डिस्टेंस को। इवन आप किसी भी डायरेक्शन में भी जा सकते हो कि मेरे को तो अभी वर्टिकली चाहिए थे या किसी पर्टिकुलर एंगल पे चाहिए थे, मेरे को तो इस तरीके से चाहिए थे, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में ही ऐसे आएंगे आपके इक्वल साइज। क्लियर है सबको? ओके, अब मान लो मैं चाहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अलग कर दूं, मैं अब ग्रुप नहीं रखना चाहता। नाउ यू कैन सी द एडिट ग्रुप हियर, आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और क्लिक ऑन एडिट ग्रुप। एडिट ग्रुप में यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा कि किस ऑब्जेक्ट को आपको ग्रुप में रखना है, किस ऑब्जेक्ट को आपको ग्रुप में नहीं रखना। अब ये पांचों छह के छह ऑब्जेक्ट ग्रुप में है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव, जस्ट क्लिक ऑन रिमूव। मान लो मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, इस पे भी क्लिक कर दिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एडिट ग्रुप, अच्छा नहीं रिमूव। ओके, जितने ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है तो उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। और यहाँ पे अब एडिट टाइप नहीं है, वन सेकंड, समथिंग इज मिसिंग, क्लिक हियर एडिट ग्रुप, इफ यू वांट टू रिमूव दिस क्लिक ऑन रिमूव, सिलेक्ट इट एंड फिनिश, ग्रुप इंस्टेंस हैज बीन डिलीटेड, मूव टू द प्रोजेक्ट और मूव, वन सेकंड, कुछ ना कुछ तो एडिट प्रॉब्लम है। चलो इसको छोड़ो, इसको बाद में बताऊंगा। इवन अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन अनग्रुप। अभी अनग्रुप हो जाएंगे सारे के सारे, ये वाला अनग्रुप हो जाएगा, ये वाले ग्रुप में रहेंगे बट वो अटैच नहीं रहेंगे। इसको आप दोबारा से सिलेक्ट करके अनग्रुप पे क्लिक कर सकते हो, सारे ऑब्जेक्ट आपके इंडिविजुअल आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज आप क्लिक करें, क्लिक ऑन एरे। अब हम करते हैं मूव टू लास्ट, क्लिक ऑन लास्ट। अब जो ऑब्जेक्ट यहां से मूव करोगे आप, लास्ट वन ऑब्जेक्ट होगा और जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे कॉपीज डालोगे, मान लो 4 डाले एंटर, तो उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, 5 डालोगे 6 डालोगे उसके बीच में ही आएंगे। ये होता है मूव टू लास्ट का फंडा। ओके चलो, अंडू, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, दोबारा से ये तो था लीनियर एरे। अगर मैं ग्रुप को हटा देता हूं तो आपके ऑब्जेक्ट जितने भी यहाँ पे आएंगे वो ग्रुप में नहीं आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नंबर ऑफ कॉपीज अब आपको यहीं से प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि 5 चाहिए तो ही वो 5 कॉपीज बनाएगा इस तरीके से, और वो उसके बीच में बनाएगा। तो ग्रुप का ये बेनिफिट हो जाता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे और बड़े अच्छे से उस चीज को बना देता है। अभी आपने मूव टू लास्ट किया था, क्लिक करें एरे पे, क्लिक करें मूव टू सेकंड, करें ग्रुप हटाया, नंबर ऑफ कॉपी 5 डाली, यहां से आपने ये किया तो 5 कॉपी कर दी बट ग्रुप नहीं बनाया इसने। ओके चलो, अब बात करते हैं रेडियल एरे। रेडियल एरे के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट प्लेस करता हूँ, मान लो एक टेबल प्लेस करता हूँ राउंड में। मान लो मेरे पास कोई एक राउंड टेबल है, दिस वन, ये मैंने एक राउंड टेबल रखी और इसके चारों तरफ मेरे को चेयर्स लगानी है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से चेयर चूज की, कोई भी ये चूज कर सकता हूँ या कोई भी चेयर मैं चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेयर्स, मान लो ये वाली चेयर मेरे को लगानी है, तो एक चेयर मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब ये चेयर मेरे को इसके चारों तरफ लगानी है, मान लो मेरे को 6 चेयर लगानी है। ओके, तो टोटल एंगल कितना है, 360। नंबर ऑफ चेयर कितनी है, 6। तो 2 चेयर्स के बीच में कितने का एंगल आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया 60 डिग्री। ओके,
तो अब आपको करना क्या है, जस्ट सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन एरे, क्लिक ऑन रेडियल एरे। अब जैसे ही रेडियल एरे किया तो जो सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया वो इस चेयर का ही सेंटर आ गया, बट मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन जो चाहिए वो इस टेबल का सेंटर चाहिए बेसिकली। आपके पास स्केल है, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल स्केल, सेकंड वन इज न्यूमेरिकल स्केल। फर्स्टली हम बात करेंगे न्यूमेरिकल स्केल के बारे में, क्लिक करें एंड यहां पे स्केल फैक्टर डाल दें जैसे आपने डाला 2। अब आपको करना सिर्फ इतना है, अगर आप इसके सेंटर में जाके क्लिक करते हो तो दोनों साइड से वो 10-10 इंक्रीज हो जाएगा। इस एज पे क्लिक करोगे तो ये एज को फिक्स रखेगा, उस साइड से इंक्रीज हो जाएगा, और राइट पे करोगे तो लेफ्ट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो दोनों साइड से 10-10 फिट इंक्रीज होगा, आपकी वॉल 40 फिट की हो गई। अंडू किया, सिलेक्ट किया, ये मेरी 20 है यहाँ पे, और मैंने स्केल पे क्लिक किया, न्यूमेरिकल 2 किया, इस पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये फिक्स रखा, इधर की साइड इंक्रीज हो गई। वैसे हम यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं, ड्रैग करके अपना जितना चाहिए हम ले लेते हैं। क्लियर है? सेकेंड, अब अगर ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल, अगर ग्राफिकल की बात करें तो हम मान लो अपने अकॉर्डिंग वॉल के डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ए पॉइंट जो आपको फिक्स रखना है, ओके? अब आपको दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर अब आप स्केल कर सकते हो जितना भी आप स्केल करना चाहते हो। मान लो यहां तक चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो तो उस लेवल तक ये स्केल हो जाएगा। ये क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट तक आपको स्केल करना है तो आप ग्राफिकल स्केल का यूज कर सकते। क्लियर है सर? प्लीज रिपीट सर। हाँ, अब मान लो मेरे पास ये वॉल है और मेरे को नहीं पता कितना डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, मैं इस वॉल को इतना बनाना चाहता हूं। पहला तरीका, अलाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, बन गई इतनी, ठीक है। दूसरा तरीका, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, यहाँ पे ले आओ, बन गई इतनी, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका कि आप इसे स्प्लिट पे क्लिक करो और इसके बिल्कुल इसके रेफरेंस से क्लिक कर दो और स्प्लिट हो गई, इसको क्लिक करके डिलीट कर दो, बन गई उतनी। चौथा तरीका, सिलेक्ट करो, स्केल पे क्लिक करो, ग्राफिकल पे क्लिक करो, जोन सा पॉइंट फिक्स रखना है उसको सिलेक्ट करो, एंड पॉइंट पे क्लिक करो और ऐसे बैक पे ले आओ और इसके बिल्कुल सामने इस पे रेफरेंस आ जाएगा, क्लिक कर दे तो वो उतनी बन गई। एक चीज को करने के लिए आपके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। मैंने एक चीज को मैं 10 तरीकों से कर सकता हूं, 20 तरीकों से कर सकता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है कि आपके पास मान लो ये वॉल है, ये तीनों आपके पास वॉल है,
अब जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ओके, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का मतलब होता है कि ये एक सिंगल कमांड आपका ट्रिम भी करेगी एंड एक्सटेंड भी करेगी। कैसे? अब मान लो मेरे पास एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, और इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और फिर इस पे क्लिक किया। इसने क्या किया, इस पार्ट को तो एक्सटेंड कर दिया, इस पार्ट को ट्रिम कर दिया। क्लियर है? इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। जैसे इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाले पार्ट को एक्सटेंड कर दिया, इस वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया, जैसे फिल इट करता है ऑटोकैड। क्लियर है? चलो अब मान लो मैं चाहता हूं कि ओनली मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूं, मैं इस पार्ट को ट्रिम नहीं करना चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी कमांड आज की हुई है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना 3D डिजाइन बनाएंगे तो ये वाली कमांड आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब आपके पास सेकेंड कमांड है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, कि ये या तो ट्रिम करेगा या एक्सटेंड करेगा और एक सिंगल एलिमेंट को करेगा। दोबारा दूसरे एलिमेंट को करने के लिए आपको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। अब मान लो मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, जहां तक आपको एक्सटेंड करना है वहां पे क्लिक करें उस पार्ट में, जैसे अलाइन कमांड होती है, ओके, और जिस पार्ट को एक्सटेंड करना है उस पार्ट पे क्लिक करें तो उस पार्ट को वो एक्सटेंड कर दे। इसको भी करना है तो दोबारा इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, इसको भी करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, तो इस तरीके से वो एक्सटेंड कर दे रहे हैं। यहां तक करना है तो क्लिक करो, फिर इसको क्लिक करो, वो एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अंडू किया, ठीक है। ये तो हुआ सिंगल एलिमेंट। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, तो क्लिक करो। मान लो मेरे को इन तीनों को इससे यहां तक एक्सटेंड करना है, तो इसको तो आप करो एक ही बार सिलेक्ट। अब इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, वो आप इस तरीके से क्लिक करते हुए जा सकते हो और आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ये तो बात हुई एक्सटेंड करने की। अब मान लो मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतने पार्ट को मुझे ट्रिम करना है, मेरे को ये वाला पार्ट आगे तक एक्सटेंड नहीं करना। एक तरीका है कि अलाइनमेंट पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसको क्लिक करो, हो गया। दूसरा तरीका है कि इसको सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, यहां तक ले जाओ, ये हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका है स्केल वाला जो मैंने बताया। अब ये तरीका है जो आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, बट अगर आपने यहां पे क्लिक करके कि यहां तक मुझे चाहिए ये वाली वो, इस पे क्लिक करके अगर आपने यहां पे क्लिक कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये एक्सटेंड नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, बट उल्टा करोगे कि इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक किया तो वो वहां से कट हो जाएगा। ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है आप सबको? सर एक वॉल का अगर प्लस तैयार कर दीजिए प्लीज। वॉल का प्लस, दो वॉल बाइसेक्ट कर दीजिए एक मिनट को आगे तक। हाँ, नाउ यू हैव टू कट वन ऑफ द वॉल। हाँ, मान लो ये वाला पार्ट कट करना है, राइट तो आप यहाँ पे क्लिक करें ट्रिम एक्सटेंड। कहां से करना है, यहां से कितना पार्ट ये रखना है, तो इसको रखो, वो कट जाएगा। ओके सर। छोटी छोटी, वरना अगर किसी को ये कमांड नहीं आती तो सिलेक्ट करेगा तो ड्रैग करके ऐसे पीछे ले आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो काफी इजी बना देते हैं आपके काम को और थोड़ा प्रोफेशनल वे में बना देते हैं आपके काम। राइट सर। और फिर है डिलीट। आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी? एनफ फॉर टुडे। सर सर सपोज टू वॉल से एक ही लाइन में और उसको जॉइन करना है, कैसे करेंगे? एक मिनट, कैलाश जी का मैसेज है सर। वो स्प्लिट वाले ऑप्शन में हम होल ना बनाते हुए थिकनेस कम कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ कर सकते हैं, सब फैमिली में आएगा, नोट कर लेना। वॉल के अंदर पूरा होल नहीं करना, सिंपल एक कटआउट करना है। 9 inches की वॉल है, ओनली 4 inches का कटआउट करना है। कैसे होगा? फैमिली में होगा। क्लियर कैलाश जी? सर स्प्लिट टू स्प्लिट कैसा करना है सर? वन सेकेंड, आपसे पहले आप किसने पूछा था क्वेश्चन?
हेलो हाँ सर नेहल, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ सर सर एक्चुअली दो वॉल एक ही लाइन में है और उसको हमें ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ मान लो एक वॉल ये है, पैरेलल ये पैरलर बनाऊं? नहीं सर, उस लाइन में ही उससे जुड़ के ही उसे जोड़ना है आगे वाली वॉल। ये वाली वन नहीं सर, उस लाइन में ही बनाओ सेकेंड वाली वॉल। सेकेंड, इसी लाइन में ये वाला बना दिया, तो अब इसे ऐसे जोड़ना है? नहीं सर, उससे उससे लगा कि दूसरी वॉल बनानी है और फिर उसको जोड़ना है। सपोज हम लैपटॉप से कर रहे हैं तो या तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें एक बार, या फिर मेरी स्क्रीन का रिक्वेस्ट आप ले लें ताकि आप मैं बना के बता पाए। लैपटॉप पे है आप? या स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप स्क्रीन शेयर करें एक बार, वो बेस्ट। ओके ओके मैं आपको अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ ओके, अब सर आप स्क्रीन शेयर करें। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से समझ पाऊँ आपके क्वेश्चन को। सर सपोज ये जो वॉल है ना, ये वाली वॉल, तो ये दोनों वॉल मुझे ज्वाइन करनी है बिकॉज इसमें बीच में ना मुझे ग्रूव्स डालने हैं, वो हो नहीं पा रहा। वन सेकेंड, मैं आपकी स्क्रीन का कंट्रोल लेता हूँ। वन सेकेंड, आप प्लीज एक्सेप्ट करें कंट्रोल को। हाँ ओके हाँ सर अप्रूव किया। अब देखो यहाँ पे, अब ये सबसे पहले तो बात ये जाननी है यहाँ पे। वन सेकेंड, वो कंट्रोल नहीं आया अभी, आ गया। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। आपने अपने आप अलग किया था स्प्लिट करके? अच्छा, नहीं सर, मैंने कैड का पैन इम्पोर्ट करके फिर उससे वॉल बनाई थी। वॉल तो बनाई थी, ये कौन सी उस पे, ग्राउंड लेवल पे? अब हाँ सर ग्राउंड लेवल पे। देखो टॉप से जाओ, अब ये दोनों वॉल अलग अलग है, अब इन दोनों वॉल को एक करना है। अब एक और चीज यहाँ पे आप देखो, जैसे आप जूम कर रहे हो तो आपकी वॉल की थिकनेस और बढ़ती जा रही है, बट ऑटोकैड में कभी ऐसे नहीं होता। हाँ कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप क्लिक करें व्यू पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा थिन लाइन का, जस्ट क्लिक ऑन थिन लाइन, तो आपको बिल्कुल क्लियर ड्रॉइंग नजर आएगी। ओके, ओके अगर थिन लाइन पे क्लिक नहीं करोगे, अनचेक करोगे, तो वो आपको थिकनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके अब आप इस वॉल को, जैसे ये वाली वॉल है, अब सर आपने इस वॉल को सिलेक्ट किया और इस वाली वॉल को इस पॉइंट से बढ़ा के आगे तक ले जाओ। अब देखो ये दोनों वॉल ओवरलैप हो गई ना यहाँ पे। बेसिकली क्या है कि इस वॉल की वजह से पंगे हो रखे हैं। ये भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है कि अपने आप ही वो कभी कभी वॉल ज्वाइन नहीं होगी, तो मैंने इस वाली वॉल को थोड़ा पीछे किया अभी के लिए, इस वाली वॉल को सिलेक्ट किया, थोड़ा स्लो चल रहा है कंट्रोल ना आपका, और इस वाली वॉल को मैं ड्रैग करके मैं इससे मिला देता हूँ। हो गई ना? अब आप इसकी हेल्प से ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट की हेल्प से क्लिक करें और इस वाली वॉल को आगे कर दें कि इस फेस पे आपको मिलाना है। वन सेकेंड, मॉडिफाई। काफी स्लो चल रहा है आपका सिस्टम ना, अब आप समझ गए ना इसको, आप आगे कर यस सकते हैं। सर यस सर ठीक है, ओके ओके सर। हाँ ओके, अब बताओ किसका डाउट था? सर मेरा जस्ट डाउट था कि जब हमारा फ्लोर में हम फ्लोर डिजाइन डालते हैं, हमने जब कट किया था दोनों को कलर अलग करना है, वी हैव टू क्रिएट ए डिजाइन लाइक स्टार प्लस और समथिंग लाइक दैट, जैसा एंट्रेंस फोयर है, एंड वी आर गोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग इन दैट। तो
तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस उसमें अपन स्प्लिट कैसे करेंगे? अब देखो, अब इसमें भी दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपको एक ऐसा डिजाइन मिल गया, टेक्सचर मिल गया इंटरनेट पे कि आप उसको एज इट इज फ्लोर पे पेस्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो वो है, वो डायरेक्टली आपका लग गया। बट एक ऑप्शन आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो खुद क्रिएट करना है, राइट सर? ठीक है, तो क्रिएट करना तो भाई अलग अलग क्रिएट करो, तो सर्फेसेस हैज टू बी स्प्लिट ना उसको, क्योंकि स्प्लिट आप सर्फेस उस कंडीशन में नहीं कर सकते। अब जैसे आपने यहाँ पे फ्लोर बनाया, अगर आप यहां से फ्लोर बनाते हो और आपने ये रेक्टेंगुलर फ्लोर बनाया बट इसके बीच में वो स्टार टाइप का डिजाइन देना चाहते हो, हाँ सर, वो स्टार टाइप का डिजाइन आपके फ्लोर का पार्ट नहीं है। वो डिजाइन क्या है, बेसिकली ऊपर की टाइल्स है ना, राइट सर, बरोबर है। अगर आप फ्लोर को स्प्लिट करते हो तो आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर बनेंगे, हाँ। और वो डिजाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपके लिए, बरोबर। हर एक सरफेस पे अलग अलग मटेरियल डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो तो हो जाएगा बेवकूफी वाला काम कि ऐसे करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हम टाइल्स लगाएंगे ना तो उसका टेक्सचर हम डाउनलोड करेंगे, तो वो डिजाइन बने भी आते हैं जिसको आप प्लेस करोगे। अगर उससे आपका नहीं हो पाएगा तो हम उसके ऊपर एक पोस्टर टाइप में कुछ भी लगाएंगे ताकि हमें दिखे कि वही डिजाइन है। और अगर आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो फिर भाई मेहनत करनी पड़ेगी। सर इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी फ्लोर की साइज है, we have to create a poster according to our convenience and then paste it over the floor. बिल्कुल बिल्कुल। अगर complicated अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि हर एक टाइप के आपके फ्लोर डिजाइन मिलेंगे आपको। अगर आप नेट पे जाते हो, फ्लोर टाइल्स टेक्सचर, किसी भी टाइप के आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे ये है, इस टाइप के टेक्सचर मिल रहे हैं, फ्लोर टाइल टेक्सचर। अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, और जैसे फ्लावर्स टाइप में आपको कुछ चाहिए, ये वाले डिजाइन है ना, इस तरीके से कोई भी डिजाइन चाहिए, टेक्सचर लो। अब ये एक आपका है, इसको आप पूरे फ्लोर में लगा दो, इतना बड़ा साइज कर दो इसका, लग जाएगा इजिली। ये एक टाइल टाइल करके लगाना है तो छोटा साइज करके टाइल टाइल करके लगा दो, या एंटायर फ्लोर को ऐसा दे दो, वो स्प्लिट। ये जैसे ये बनाना है जैसे, तो अगर आप बनाने लगे तो आप देख रहे हो कितनी मेहनत का काम है, राइट सर? एक एक चीज को अलग बनाना है, मटेरियल अलग देना है, सही। तो उस तरीके से हम चीजों को करेंगे, तो इसको ये पोस्टर करके उसके ऊपर वो साइज से ये करके सर एक लगा दीजिए फिर वहीं पे सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक सर? एक प्लेस कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब मान लो ये वाला है, हाँ, कौन से वाला भी है, ये वाला लिया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया, और मैंने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी न्यू फोल्डर टेक्सचर यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ रेविट पे, इस फ्लोर पे मान लो मुझे चाहिए, ऊपर चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे क्लिक किया, एडिट किया, मैंने क्या किया यहाँ पे प्रीव्यू देखा, एक इंसर्ट कर दिया और इसको ऊपर लेके चला गया। इसका थिकनेस कर दी 1 इंच की, नीचे वाले की कर दी 4 इंच की, इस वाले पे क्लिक किया और एक मैंने मटेरियल लगा दिया कोई भी, एक क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम 01, कोई भी नाम किया, एडिट किया, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे गया, मैंने फ्लोरिंग का कोई भी मटेरियल ले लिया, मान लो कारपेट, स्टोन, टाइल, विनाइल, व्हाटएवर, जो भी, ये वाला ले लिया। ओके, सिर्फ मेरे को करना क्या है, टेक्सचर ही तो चेंज करना। अपने यहाँ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, नहीं टेक्सचर चेंज नहीं करना, और भी चीजें हैं वो बाद में बताऊंगा आपको। मैं इसको न्यू मटेरियल लेता हूँ, मैं नॉर्मली लेता हूँ डायरेक्टली, 02, सिलेक्ट, अपीयरेंस, इमेज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर और टेक्सचर, अब ये वाला मैंने लिया। अब सबसे पहले तो देखूंगा ना कितना बड़ा साइज है इसका। अगर मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, ये मैंने ऊपर वाली टाइल पे लगाया, ओके ओके, अगर मैं रियलिस्टिक करता हूँ तो अब देखो इस टाइल का साइज इतना है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप सिलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो, इस टेक्सचर पे जाओ, अब आप इस इमेज पे क्लिक करो और इमेज का साइज है 1 फीट बाय 1 फीट का है। अब आपका रूम का साइज मान लो 10 फीट बाय 10 फीट है, तो मैंने इसको 10 फीट का टेक्सचर बना दिया। अब अगर आप इसे ओके करोगे, ओके करोगे, तो अब आप देखो आ गया बड़े वाला। बट प्रॉब्लम क्या है,
कि सिमेट्रिकल वे में नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडिट टाइप पे क्लिक करो, एडिट करो, एडिट पे जाओ, इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है पोजीशन ऑफसेट। अब ये ऑफसेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, इधर चाहिए थोड़ा सा, इधर चाहिए थोड़ा सा, किधर चाहिए थोड़ा सा। अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डन करें, ओके करें, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रूल है, कर करके देखना पड़ेगा जितना आपका इधर हो जाए, समझ रहे हो। एक और ऑप्शन है, अगर मैं डिकैल यहाँ पे यूज करता, ये भी कर सकते हैं। डिकल बताऊंगा बाद में, जैसे इंसर्ट में पोस्ट में बताऊंगा। राइट राइट ओके और कोई डाउट किसी को? सर मेरे को स्क्रीन शेयर करेगा मेरा? हाँ प्लीज शेयर द स्क्रीन, वन सेकंड, करें आप स्क्रीन शेयर। सर इसमें साउथ भी है ना हमारे किधर, तो सर ये मैं आपको कल पूछा सर, ये देखो सर, इधर देखो मेरे को ये मेरा वॉल का लाइन है ना वो हिडन है, वो मेरे को लेवल लाइन दिखता है, ये कैसे मैं प्रिंट करेगा सर? देखो नहीं मैं समझा नहीं क्या हिडन है। अभी देखो सर ये देखो ये इधर वॉल का लाइन है ना, ये वॉल का लाइन नहीं है, ये ग्रुप का लाइन है, ये वॉल आपने ग्रुपिंग की हुई है। वन सेकंड, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट देना मुझे एक बार, ओके अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रुप, ये ग्रुप है, अगर मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ ना तो अब आपको लाइन ही नजर आएगी। नहीं सर वो देखो फिर भी ये उधर वाली वॉल है, ये इधर वाली वॉल है, ओके नहीं फिर भी आगे इधर देखो उसको ऊपर, ये ऊपर लाइन है ना वो मेरा यहाँ तक आती, ये पूरा सिलेक्शन होता ना, यही चाहते थे ना आपको? नहीं सर ये हमारे लेवल का लाइन है ना वो वॉल को ऊपर ओवरलैप है, मतलब मेरे को पूरा वॉल शो नहीं करे, अभी अभी लेवल डिलीट करेगा तो अभी देखो सर क्या तो मेरे को देखा गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली मैं आप पूछना क्या चाह रहे हो। सर मैं इतना ज्यादा हमारे नहीं है सर, अभी सर उनका कहना है कि उनकी वॉल नहीं दिख रही, वो लाइन नहीं दिख रही, लाइन लग दिख रही, मतलब आप दो दो लाइन देखना चाहते हो वॉल की? नहीं मेरे को ये हमारे लेवल का लाइन नहीं दिख, पीछे लाइन दिखने को, ये लेवल नहीं देखना आपको, मतलब इधर इस थोड़ा आगे, मतलब ये वाला लेवल ये इधर ओवरलैप है ना, अभी इधर दोनों भी है, अब कैसे मालूम पड़ेगा लेवल का लेन ले वॉल का लेन ले, ट्रैक करे पीछे ले जाए। हां ये पूछते हैं बस वही बस इतना,
ये आप पहले बोलते हैं ना कि आपको लेवल वाली लाइन देखनी नहीं है, तो ड्रैग करो पीछे ले जाओ, हो गया, बस वो ऑप्शन है। ठीक है, वो सारे आपस में कनेक्ट थे तो एक ही बारी में सारे पीछे हो गए, बस ओके बस यही है सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट सर? लेवल्स की लाइन हम जितनी भी कम करें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो तो एक रेफरेंस लाइन है, आप उसे कितना बढ़ा लो कितना कम करो डजंट मैटर। ओके सर, हम जब वॉल में ग्रूव्स करते हैं ना उसमें ये सब ऑप्शंस आज आपने सिखाए वो सब उसमें भी होते हैं क्या? ग्रूव्स में भी ट्रिम वगैरह कर सकते हैं क्या हम? वॉल के अंदर ग्रूव्स? सर मैंने आपको यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला है ना वो देखा था, ग्रूव्स करने फैमिली में पॉसिबल होगा, फिर कल मैं आपको बताऊंगा वॉल स्वीप वॉल रेवल इससे भी कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा इससे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ प्रैक्टिस कर ली और हो गया, अब मैं आपको दूंगा कुछ कॉम्प्लेक्स। अब मेरे पास कुछ होम प्लान्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा इनमें से, जैसे ये है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3D भी बना हुआ है और उसके 2D फ्लोर प्लान्स भी है, समझ रहे हो? Yes. तो मैं आपको ऐप के ऊपर ही और व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर करूंगा कोई एक प्लान, आपको करना सिर्फ इतना है 3D। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी 3D बना लोगे सामने से, तो आपका क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, आंसर ये होगा कि नहीं बना पाएंगे अभी, बट अगर मैं प्लान दिखाऊं आपको तो दीवारें वॉल और ये सारी चीजें तो आप बेसिकली कंपोनेंट वगैरह सब कुछ तो प्लेस कर सकते हो ना? Yes, sir. इतना अभी तक आपका हुआ है उतना तो आप बेसिकली कर सकते हो ना, आपका मोटिव क्या है रिविट करने का कि कंप्लीट ये बनाना आ जाए मुझे हर कंडीशन में, मटेरियल्स लगाना सारी चीजें रेलिंग्स ग्रिल्स वगैरह ये सारी चीजें बनानी आ जाए, मोटिव यही है ना? ठीक है, तो मैं आपको एक प्लान जैसे कोई भी जिसका ये एक 3D होगा और प्लान होगा, ठीक है, वो आपको बनाना है। ओके सर, कल मुझे दिखाना है, उतना बनाना है जितना आप बना सकते हो। ओके सर, क्लियर है? सर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कैसे बनेगा सर, लेवल वाइज अलग अलग? अगर आप लेवल वन से जाके कुछ भी बना रहे हो, वॉल आपने बनाई लेवल वन से, यहाँ से ये मैंने नीचे का लेवल बनाया पूरा आपने बना दिया, ऐसे नहीं करना ऑटो कैड की तरह कि आपने लेवल वन इधर बना दिया लेवल टू इधर बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने लेवल वन बनाया, आपने इसका फ्लोर वगैरह जो लगाना था आपने फ्लोर लगाया, रूफ नहीं लगानी, अगर लेवल रूफ लगेगी सबसे ऊपर आपको लेवल टू पे जाके भी आपको फ्लोरिंग ही करनी पड़ेगी, आप फ्लोर लो और मान लो आपको यहाँ पे जो फ्लोर है वो अलग टाइप का है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा छज्जे टाइप में है, वो आपकी तरफ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, मान लो आपको लेवल टू बनाना है तो लेवल टू पे जाओ, अब आप इसके ऊपर कोई भी वॉल बना सकते हैं, जैसे आप साइड में तो आपको पैरापिट वॉल बनानी है, तो मैंने यहाँ से 4 इंच वाली ब्रिक वॉल ली और यहाँ से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया कि ये साइड में मेरे को बनानी है पैरापिट वॉल। उसके बाद आपने यहाँ से वॉल ली, ये वाली वॉल बनानी है इसके ऊपर, ठीक है, फिर यहां से आपको एक कमरा ये वाला क्रिएट करना है क्योंकि फ्लोर प्लान अलग हो सकता है ना। अब आप 3D में जाके देखोगे ये वाला सिलेक्ट किया, इसकी हाइट ये हो गया, समझ रहे हो? Yes, sir. नीचे बनाओ कि नीचे बनाना है, ऊपर बनाओ बनाना है, तो इस तरीके से लाइंस बनेंगी। अभी अगर आप डायरेक्टली देखोगे
कि इस 3D तब से माइंड में आपका आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा देखो। बट अगर प्लान को देखोगे, दीवारें खड़ी करनी, डोर बनाने, विंडो बनाने, वो तो सीख ही करना ना, उसके बाद yes, बसता है डिजाइन, बसता है ना, डिजाइन को भी करेंगे इसी में, टेक्स का सारी का सारी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको शेयर करता हूँ, कल तक मेरे को प्लान चाहिए सबसे। सर हाउ टू डू स्टेयर केस सर, बात कर रहा मैं, जितना सिर्फ मैंने अभी तक बताया है उतना ही करना। अब इसमें okay. तो आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, समझ रहे हैं, इसमें तो आपको टेक्स्ट भी, आपको डायमेंशन भी दिख रही है इसमें, कैसे कैसे डायमेंशन भी बताई ना अभी मैंने, कंपोनेंट बताए, फोन बनाई है, बॉक्स बताए, विंडो बताए हैं, करना है बाकी कुछ नहीं करना। Sir, your voice is not audible. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी सर। जितना मैंने अभी तक कमांड करवाई है, सिर्फ उतना करना है। ठीक है सर। And please mute yourself. अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को म्यूट कर दिया करें, आपकी बैकग्राउंड साउंड कुछ ज्यादा आती है। सर एक चीज थी जी, वो जो आपने ये दिया था सब families, वो सर वी ट्रांसफर से इतना बड़ा है कि वो डाउनलोड को बहुत टाइम होता है, तो कैन यू शेयर इट विद वी ट्रांसफर? आप जिसको भी वी ट्रांसफर से चाहिए, मैं ना उनको लिंक सेंड कर दूंगा दोबारा से बना के, क्योंकि वी ट्रांसफर का लिंक जो होता है वो 7 दिन के लिए होता है ओनली, राइट सर? ठीक है, तो मैं वी ट्रांसफर का लिंक बना के शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी और ग्रुप पे भी, तो आप डाउनलोड कर लेना सर। सर वो विजिबल रहेगा, बहुत बड़ा है तो बहुत टाइम लगता है, 1.5 GB का है। राइट सर, राइट सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, एक क्वेश्चन था। जी प्लीज सर, ये आप जो ये फर्नीचर बिठा रहे हैं ना, तो हम मैं भी फर्नीचर बिठा रहा हूँ, तो फर्नीचर को घुमा नहीं पा रहा सर। क्या फर्नीचर दिखा रहे? रोटेट नहीं हो पा रहा? नहीं सर, तो मतलब आज देखा, आज शायद हो जाएगा, कल तक नहीं हो रहा था। कोई नहीं, आज हो जाएगा, आज मैंने बताया ना रोटेट का कमांड, आज हो जाएगा। हाँ, शायद हो जाएगा, क्योंकि कल तक मैं फर्नीचर बिठा रहा था, मैं एक साइड ही जा रहा था, मैं राइट साइड लेफ्ट साइड जा रहा था, और मेरे को फर्नीचर घुमाना था, नहीं घूम रहा है। कोई नहीं, आज शायद हो जाएगा सर। करना, आज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर, चलो फिर सर। एक वो जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैंने ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं किया था, आपने भेजा मेरे को और व्हाट्सएप भी मिला आपका, तो अगर ये एक्सरसाइज अभी आप ऐप पे डालेंगे कि व्हाट्सएप पे डालेंगे सर? इसको मैं ऐप पे भी डालूंगा, क्योंकि 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए, किसी के पास आईफोन है या कोई बाहर से है। अच्छा, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ अनलिस्टेड करके। 3 वीडियो को तो मैंने कर दिया पब्लिक ताकि दूसरे स्टूडेंट देख पाए, 4th वीडियो जो मैंने डाली है उसको अनलिस्टेड किया है, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। वो वीडियो वही बंदा देख सकता है जिसके पास वो लिंक होगा, पब्लिक भी आप नहीं देख सकते। तो ये वाली वीडियो को मैं ऐप पे भी करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड करके अनलिस्टेड करके उसका लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, और एक्सरसाइज भी भेज देंगे ना व्हाट्सएप पे? बात एक ही है, क्योंकि जो चीजें ऐप पे हो रही है वही चीजें व्हाट्सएप पे भी होंगी। यस सर, यस सर, ठीक है ना? ठीक 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 है, ठीक है सर, ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। एक और चीज, थैंक यू सर, आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज ऐप पे जाके, टेस्टिमोनियल में जाके अपने रिव्यूज दीजिएगा। जो कोर्स आप कर रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है ना, तो उस कोर्स पे जाके लाइक भी करें। ओके सर, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।